हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमारिका डीआईवाई। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली से रिलेटेड एक क्राफ्ट, होम डेकोर आइटम या गिफ्ट आइटम। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लीफ को एक पेपर पर कटिंग कर लिया है और अब हम कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड पर इस पेपर को रख कर बना लेंगे। देखिए, हमने पहली पेटल को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से हमें चार और पेटल्स ड्रॉ करनी है। इस तरीके से ये हमें कुछ लोटस की शेप में मिल जाएगा। तो टोटल 5 लीव्स हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सीजर या पेपर कटर की हेल्प से कार्डबोर्ड से अलग कर लेंगे। यहाँ लिया है वॉल पुट्टी का डो। वॉल पुट्टी डो की हम शीट बनाएंगे और जो पेपर कटिंग हमने की थी वॉल पुट्टी की शीट पर रखकर उसकी कटिंग कर लेंगे। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाया जाता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम कार्डबोर्ड पर एक वॉल पुट्टी और पानी का पेस्ट बना लेंगे। कार्डबोर्ड पर लगाएंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद वॉल पुट्टी की जो लीफ शीट है उसको हम पानी की हेल्प से सील कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरे कार्डबोर्ड को वॉल पुट्टी की शीट से कवर कर लेंगे। सूखने के बाद इसको रेगमाल की हेल्प से घिस लेंगे। जो भी इसका अनइवन एरिया है, जो भी बाहर निकला हुआ है, वो सब इवन हो जाएगा और ब्रश की हेल्प से इस डस्ट को अलग कर लेंगे। इसको हम क्लीन कर लेंगे। फिर से पेपर लीफ को लेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल की हेल्प से इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। यहाँ मैंने देखिए एक छोटी सी पेपर कटिंग करके लीफ पैटर्न में उससे भी थोड़ा डिज़ाइन बनाया है। आप डायरेक्ट भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन हमारा बन गया है। इसके बाद हमने लिया है मार्बल पाउडर और फेविकोल। इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे और मिल्क वाली जो पन्नी आती है उससे हमने बनाया है कीप। इस पेस्ट को हम अपने कीप में फिल कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेहंदी का कीप होता है। यहाँ हम 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने कीप में अपना मार्बल पाउडर का पेस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पर अच्छे से उससे डिटेलिंग करेंगे। ये देखिए हमारी डिटेलिंग हो गई है और ये ड्राई भी हो गई है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक कलर। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर कलर। आप ब्लैक की जगह कोई और कलर भी, आपको जो भी पसंद है कलर, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ब्लैक कलर हो गया है। स्पॉन्ज पर अब मैंने लिया है सिल्वर कलर और हल्के हाथों से इसकी डबिंग की है। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपकी जो भी डिटेलिंग आपने की है वो बाहर उभर कर निकल आएगी। अब यहाँ मैं मल्टी कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसको एक कलर या दो कलर से भी बना सकते हैं। तैयार हो गया है, कलर हमने कर लिया है। थोड़ी और डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मिरर और उसको हम फेविकॉल की हेल्प से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अभी लाइक कर दीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए मिरर्स लगने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ लिया है एक एल्युमिनियम का वायर। एल्युमिनियम वायर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ लिया है एमसील। ये मार्केट में इजली हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा। 10 रुपये का आता है। इसमें 2 पैकेट हैं। आपको अपने आधा आधा करके दोनों को सेम क्वान्टिटी में मिलाना है। यहाँ इस तरीके का मार्केट में हुक भी आता है। मैंने यहाँ यूज़ किया है ये हुक।
इसको पेस्ट कर लिया है। और देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है, तो ये मेरा एक वॉल डेकोर तैयार हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने दिवाली के लिए क्राफ्ट तैयार किया है, तो इसमें एक छोटा सा दिया भी मैंने ऐड कर दिया है। और दिया ऐड करने के बाद इसमें लगा दी है कैंडल। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, इसकी प्यारी प्यारी सी रोशनी कितनी जगमगा रही है। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लगा? जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी फिर एक क्राफ्ट नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय।